शहर औलिया को पोलियो फ्री बनाने के दावे मफरूजे बन गए। करोड़ों का बजट काम आया न जोरों की मुहिम। अली टाउन में सिवरेज नमूनों से पोलियो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। महकमे सेहत ने मलबा पोलियो ज्यादा इलाकों से आने वाले खानदानों पर डाल दिया, कहा कि इलाके को जल्द क्लियर कर लेंगे। पोलियो से जान कैसे छूटेगी, महकमा सेहत मुल्तान की नाकिस हिकमत अमली। जदीद दौर में पुराना तरीका राइज, मुहिम का डेटा कंप्यूटराइज करने के बजाय खातों पर मुरतब होने लगा। इंतजामिया रजाकारों से काम चलाने लगी, मुहिम मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला के शहर में भी सेहत की सहूलियात नायाब। टीचिंग अस्पताल डीजी खान अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मुंतजर। सिटी स्कैन मशीन 15 दिनों से खराब, पीसीआर की सहूलत भी मुहैया नहीं की जा सकी। प्राइवेट माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। सिटी स्कैन का जो मसला है वो पिछले कई महीनों से है और मशीन को ठीक किया जाता है वो दोबारा फिर खराब हो जाती है। समरी तो मंजूर करवा दी है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी फंड्स रिलीज नहीं हुए। महकमा फूड फ्लावर मिल्स को पुरानी गंदम सप्लाई करने लगा। डेरा गाजी खान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का तहफुजात का इजहार। कल से फूड डिपार्टमेंट से गंदम न उठाने का ऐलान, परसों से शहर में आटे की सप्लाई बंद करने का इंदिया दे दिया। पेस्टिसाइड्स, जरई जहरों की फॉर्मुलेशन और मैार की चेकिंग। महकमा जरात मुल्तान की लेबॉरेटरी सबसे आगे, जहरों की वाइस केमिस्ट्रीज को चेक करने की सलाहियत के साथ सुबह भर में पहले नंबर पर। आम किसान भी पेस्टिसाइड्स लैब से जरई जहरों के नमूनों का तजिया करवा सकते हैं। सारे कदीमा हजारों साल पुरानी तहजीब की तलाश में कोशां। जामपुर मोड़ दिलोराय खुदाई का काम जारी। कदीम तहजीब के दरियाफ्त होने से इलाके की अहमियत में इजाफा होगा। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का बड़ा फैसला। ममनू आशिया जलाने वाली भट्टियों को मसमार करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई की इजाजत दे दी। वज़ीर आज़म का दरख्त लगाने का ख्वाब, इंतजामिया पौधे उखाड़ने में मसरूफ। इमरान खान का 23 फरवरी को मुतवक्का दौरा मियांवाली। नमल कॉलेज कॉन्वोकेशन से खिताब के बाद एक पौधा लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने स्टेज पार्किंग और हेलीपैड के लिए लातादाह दरख्त और पौधे उखाड़ दिए। शहरी शिकवा खुना, इंतजामिया की हिकमत अमली को नाकिस करार दे दिया। कोरोना वायरस का शुबा, मुल्तान के रहायशी एक ही खानदान के 3 अफराद निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। एक मरीज को सेहत याब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। निश्तर आइसोलेशन में 4 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना वायरस का इलाज कौन करेगा, महकमा सेहत मुल्तान ने शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया। कोरोना का इलाज करने वाले इकलौते प्रोफेसर को एक पाकिस्तान छुट्टी दे दी। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैल्मोनोलॉजी डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल 8 दिन की रुख्सत दे दी। जनूबी पंजाब के वासियों को बिला तातुल मिलेंगी तिबी सहूलियात। सराइकी खिते समेत सुबह भर की हेल्थ अथॉरिटीज को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड जारी। मुल्तान को 3,80,00,000 से जायद के फंड जारी। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया का बहरान बरकरार। रहीमयार खान में गुलशन उस्मान, चकाबाज, सुई गैस चौक, अमीनगढ़ रोड, अबासिया टाउन, ग्रीन टाउन और दीगर इलाकों में चीनी और दाल की किल्लत। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स चीनी से महरूम। मसाला जात और दालें भी नायाब। आवाम के लिए अशियाए जरूरिया की खरीदारी ख्वाब बन गई। इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। बहावलपुर में कॉरपोरेशन ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। शादी हॉल के बाद कमर्शियल प्लाजों को भी सील करना शुरू कर दिया गया। कॉरपोरेशन इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कमर्शलाइजेशन फीस अदा न करने और नक्शा मंजूर न करवाने पर 6 प्लाजों को सील कर दिया। बोगस सीडीआर या मामला कुछ और, सनावा म्यूनिसिपल कमेटी में दौराने टेंडर लड़ाई। ठेकेदार आपस में उलझ पड़े, थप्पड़ों और मुक्कों से एक दूसरे की तवाज़ुन की। शहराम नामी शख्स टेंडर में और सीडीआर की कॉपियां लेकर फरार हो गया। जनूबी पंजाब सूबे का वादा कब वफा होगा, जनूबी पंजाब की आवाम हुकूमत को भूला वादा याद दिलाने लगे। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद आराई बोले, हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद लाए साथ देंगे। उधर लीग के रहनुमा महमूदुल हसन चीमा ने कहा कि हुकूमत ने सूबे पर भी यू टर्न ले लिया।
कैंटोनमेंट लोकल बॉडीज कानून, मुल्तान कैंट के वार्ड की इब्तदाई हल्काबंदी जारी। अवामो नाज से एतराजात और तजावीज के लिए इब्तदाई हल्काबंदियों की तफसीलात की इशात कर दी गई। मुल्तान कैंट के वोटर्स इब्तदाई हल्काबंदी से मुतालिक तजावीज या एतराजात कल से 4 मार्च तक हल्काबंदी अथॉरिटी को जमा करा सकेंगे। मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन का कमर्शलाइजेशन फीस अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में शोबा प्लानिंग की बहावलपुर रोड पर कार्रवाई। कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर जेर तामीर फैक्ट्री सील, सामान जब्त कर लिया गया। फैक्ट्री मालिक को कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 2.5 करोड़ रुपए और नक्शा जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान के साइकेट्री डिपार्टमेंट के तहत मनशियात बहाली सेंटर कायम। नशे से आदि अफराद के इलाज के लिए सरकारी सतह पर जनूबी पंजाब का पहला मनशियात बहाली सेंटर बना दिया गया। मनशियात बहाली सेंटर 13 बेड्स पर मुश्तमिल है। कमिश्नर डीजी खान असीम सादिक का जामपुर के नवाही इलाके हड़िंद में किला हड़िंद का दौरा। एमएनए सरदार जाफर खान ने किले की तारीख बारे कमिश्नर को आगाही दी। कमिश्नर नसीम सादिक ने तारीख मुकाम का तफसीली मुआयना किया। रहीम यार खान में बिजली और सीवरेज मसाइल का होगा इजाला। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने 85 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। जारी तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। मुजफ्फरगढ़ का तारीखी पुल शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीगा साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने दरियाए चनाब के पुराने पुल पर फूड स्ट्रीट बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम कर लें। लोधरा में तिब्बी सहूलियात की जानेब एक और कदम। डिप्टी कमिश्नर ने डीएचक्यू लोधरा में नए सिटी स्कैन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मियांवाली में सीवरेज सफाई समेत दीगर मसाइल का होगा अजाला। एमपीए मलिक अहमद खान की जेर सदारत अजलास। सिटी पैकेज के तहत शुरू होने वाले प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उधर कमिश्नर बहावलपुर की मेंबरान असेंबली से मुलाकात। शहर के लिए मेगा तरक्याती स्कीमों को प्रपोज करके वजीर आला को भिजवाने की सिफारिश। चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक का कबायली इलाके तमुल लगारी का दौरा। कबायली अमायदीन से मुलाकात और मसाइल दरियाफ्त किए। मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे में 17 करोड़ की करप्शन। मुल्तान नैब अदालत में करप्शन केस की समाअत। साबिक कमिश्नर और डीसीओ समेत 10 मुल्जमान के खिलाफ समाअत 3 मार्च तक मुलतवी। जमशेद दस्ती जारी डिग्री केस। जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर केस मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान सेशन अदालत मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन इस्तगासा के गवाहों को तलब करने के लिए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। जमशेद दस्ती की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बार के इंतखाबात का मामला। मुतादिद नशिस्तों के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। नायब सदर लोधना बहावल नगर रहीम यार खान, फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, मेंबर एग्जेक्टिव बिला मुकाबला मुंतखब। बकिया सीटों पर 1-to-1 मुकाबला होगा। और एमएससी के नतज गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के तलबा ने मैदान मार लिया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पहली 6 पोजिशन अपने नाम कर लीं।